प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और बांग्लादेश विश्व में स्थिरता, सद्भाव और शांति चाहते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा खोलने के दिए निर्देश। देश में कोरोना टीकाकरण जोर शोर से जारी, अब तक 5,81,00,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके। और एनडीआरएफ की टीम ने एनटीपीसी संयंत्र में क्लोरीन गैस रिसाव से बचाव के लिए किया रेस्क्यू ऑपरेशन और मॉक ड्रिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों देश विश्व में स्थिरता, सद्भाव और शांति चाहते हैं। बांग्लादेश के ओराखांडी में मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों राष्ट्र अपने दम पर दुनिया में प्रगति के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भारत और बांग्लादेश ने अपनी अपनी क्षमताओं को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही राष्ट्रों को इस महामारी का सामना करना पड़ रहा है और इसके निदान के लिए दोनों देश मिलजुल कर प्रयासरत हैं। श्री मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा के दूसरे दिन आज सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली शक्ति पीठ में पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शक्ति पीठ में चांदी और सोने से बने मुकुट अर्पित किए। मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने मंदिर के समीप एक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए अनुदान की भी घोषणा की। बाद में श्री मोदी ने तुंगीपाड़ा स्थित बंगबंधु मुजीबुर रहमान के मकबरे के परिसर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने परिसर में पौधरोपण भी किया। देश में अब तक 5,80,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 26,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच देश में स्वस्थ होने की दर 94.84% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1,12,00,000 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। इस समय 4,52,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 3.8% हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली सहित अन्य त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और महामारी संबंधित सभी एहतियातों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है। इनमें मास्क पहनना और एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखना जैसे उपाय भी शामिल हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,34,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,15,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 15,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच कोरोना टीकाकरण भी जोर शोर से जारी है। प्रदेश में कल 66,107 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व में संचालित कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा चालू करने और निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन संबंधी नए निर्देश जारी किए हैं। होम आइसोलेशन वाले कोरोना मरीजों को तत्काल मेडिसिन किट उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस बीच राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अस्पतालों में सामान्य और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या पर्याप्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह निजी अस्पतालों के 50% बिस्तरों में भी ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी त्यौहार को देखते हुए राजनांदगांव में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और शांतिपूर्ण होली मनाने का संदेश दिया।
दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए कोरोना के लक्षण वाले मरीजों के चिन्हांकन के लिए जिला प्रशासन द्वारा सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे 208 हॉटस्पॉट का चिन्हांकन किया गया है, जहां कोरोना के काफी मरीज सामने आ रहे हैं। 400 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हॉटस्पॉट के लगभग 4000 घरों में सामुदायिक सघन सर्वे किया। जिला महिला और बाल विकास अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमित लोगों की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए आवश्यक है कि हम संक्रमित लोगों की पहचान करें, तो अभी कोशिश यही हो रही है कि हम घर घर जा कर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए, और कोई संक्रमित व्यक्ति यदि हमारे आपका संपर्क में आता है तो हम उनको पहचान करके उनको प्रॉपर मेडिकेट करा पाएँ, ये कोशिश हो रही है। देखिए, सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हमारी अपने अपने फील्ड में लगी हुई हैं, वो घर घर जा कर के अपना सर्वे कर रही हैं, और कोशिश यही हो रही है कि हम उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेट करा पाएँ और जा कर के हम उनको अपने कोरोना से बचाव के बारे में हम उनको जानकारी दे पाएँ। श्री जैन ने ये बताया कि दुर्ग और भिलाई नगर निगम क्षेत्र में करीब 30 से 35 हॉटस्पॉट का चिन्हांकन किया गया है, जहाँ घर घर सर्वे किया जा रहा है। और भिलाई नगर निगम क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 30 से 35 स्थानों को अभी प्रशासन ने चिन्हांकित किया है हॉटस्पॉट के रूप में, जहां पर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। हम घर घर पहुंच रहे हैं और प्रशासन की कोशिश ये है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंच करके उसको स्क्रीनिंग एटलीस्ट एक बार करा सकें। उल्लेखनीय है कि जिले में पहले भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सघन सर्वे किया था, जिससे काफी संख्या में संक्रमित लोगों की पहचान की गई थी। कोविड-19 संक्रमण इस बार नए लक्षणों के साथ सामने आ रहा है, जिसे पहचानना जरूरी है। शासन ने सभी लोगों से एहतियात बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के कंसल्टेंट क्रिटिकल मेडिसिन और कोविड आईसीयू के प्रभारी डॉक्टर ओपी सुंदरानी ने लोगों से अपील की है कि वे सचेत हो जाएं, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर तुरंत जांच कराएं और डॉक्टरों की निगरानी में रहें। जो कॉमन मिस्टेक हम अभी सब कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि मुझे या तो कोविड हो गया होगा और मैं ठीक हो गया, या तो मैं इम्यून हो गया हूँ, ये सोच बिल्कुल गलत है। शुरुआत इस बीमारी की हमेशा ही माइल्ड सिम्टम से होती है। अगर हम उस समय सचेत हो जाएं, डॉक्टर की निगरानी में आएं, अपना टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट लेंगे तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। पर यदि हम सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट करने से बचेंगे, तो नुकसान हम खुद का भी करेंगे और साथ बिना टेस्ट कराए हम सब जगह घूमेंगे तो बाकी लोगों को भी ये इन्फेक्शन फैलाएंगे। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है, हो सकता है आप उन 90% केसेस में हो जिनको माइल्ड सिम्टम्स आके डिजीज ठीक हो जाती है, पर आपकी ये लापरवाही उन लोगों पे भारी पड़ेगी जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जो कैंसर के मरीज है, जो बुजुर्ग है, जो किडनी के पेशेंट्स है, जो डायबिटीज के पेशेंट्स है, इनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट एक ही है कि मास्क पहने। देखिए, मास्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इवन वैक्सीनेशन इज नॉट एन अल्टरनेटिव फॉर मास्क। वैक्सीन आपको एंटीबॉडी देगा, वायरस की एंट्री को ब्लॉक नहीं कर सकता। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना, ये प्रोटोकॉल्स तो लंबे समय तक फॉलो करने हैं। यही ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जरा से भी सिम्टम्स हैं, प्लीज़ और प्लीज़ अपने आप को टेस्ट कराएं, सेल्फ मेडिकेशन न लें, डॉक्टर की निगरानी में रहें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। डॉक्टर सुंदरानी ने कहा कि गंभीर स्थिति को देखते हुए बचाव बेहद जरूरी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, हे, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ब्रश। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी संयंत्र में क्लोरीन गैस रिसाव के दौरान जानमाल की क्षति को रोकने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान ओडिशा से आई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तीसरी बटालियन की टीम ने बचाव कार्य का प्रदर्शन कर अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। उल्लेखनीय है कि बिजली संयंत्रों में अक्सर क्लोरीन गैस रिसाव की आशंका बनी रहती है। ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में जानमाल को बचाने के साथ ही आपदा की स्थिति से निपटने के लिए कोरबा के एनटीपीसी संयंत्र में सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ने पहली बार मॉक ड्रिल किया। कोरबा के एसडीएम अभिषेक शर्मा ने बताया कि संयंत्रों में होने वाली आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। ऐसे पूर्वाभ्यास लगातार होते रहना चाहिए। हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई भी डिजास्टर होने का, खासकर केमिकल डिजास्टर का। इसी के संबंध में सीआईएसएफ, एनडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तीनों की टीम का ज्वाइंट एक दल के द्वारा आज एक मॉक एक्सरसाइज किया गया, जिसमें सभी का आपस का कोऑर्डिनेशन और बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी रहता है उसके बारे में एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और एनटीपीसी और बाकी पीएसयूज की तरफ से और सीआईएसएफ की तरफ से अधिकारी लोग उपस्थित थे। और हम सभी ने यही चीज़ देखा कि एक्चुअल सिचुएशन में कैसे एक डिजास्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। एनडीआरएफ टीम के निरीक्षक नरेंद्र कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल में क्लोरीन गैस रिसाव के दौरान पीड़ित कर्मचारियों को रेस्क्यू करने के साथ ही विपरीत परिस्थितियों से निपटने की तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। दांडी मार्च के 15वें दिन महात्मा गांधी देरोल से भरूच के लिए निकले थे। भरूच पहुंचने पर गांधी जी का जोरदार स्वागत हुआ था। भरूच पहुंचकर गांधी जी ने सभी धर्म के लोगों से एकजुट होकर सत्याग्रह में शामिल होने का आग्रह किया था। 26 मार्च 1930 महात्मा गांधी पदयात्रियों के साथ सुबह सुबह भरूच के लिए निकले। भरूच के सेवाश्रम अस्पताल में तारीख और समय दर्ज है कि महात्मा गांधी यहां सुबह के 9 बजे पहुंचे थे। गांधी जी ने यहां करीब 6 घंटे के विश्राम में अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू से बातचीत की। इसके बाद महात्मा गांधी यहां के स्थानीय नेता दिनकर राव देसाई, चंदूलाल देसाई और छोटू भाई पुरानी से मिले। महात्मा गांधी के कहने पर ही चंदूलाल देसाई ने इस सेवा आश्रम की स्थापना एक छोटे से डेंटल क्लिनिक के रूप में साल 1920 में की थी। यहां गांधी जी ने आम सभाओं को भी संबोधित किया और सभी धर्म के लोगों से एकजुट होकर इस सत्याग्रह से जुड़ने की अपील की। उस दिन ऐसा था कि कुछ एक यंग लड़का था, उन्होंने उनसे सवाल किया था कि जो स्वराज है वो सिर्फ हिंदू जो है वही सिर्फ उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि ये स्वराज जो है, हमें जो इंडिपेंडेंस चाहिए वो सिर्फ हिंदू नहीं ले सकता, हिंदू नहीं ला पाएगा, उसके लिए मुझे सबकी ज़रूरत है, वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ मिलके आगे चलना है। तो ये संदेश उन्होंने सभा जब की तब वहाँ उन्होंने ये संबोधित किया था और ये उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने ये जवाब दिया था। देश आज़ादी के 75वें साल के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75वें साल के इस खास मौके पर एक बार फिर पदयात्री दांडी के उस मार्ग से युवा पीढ़ी को आज़ादी की कीमत बताते आगे बढ़ रहे हैं। साल 1930 में महात्मा गांधी भरूच से बोट पार कर अंकलेश्वर तक पहुंचे थे। दांडी यात्रा में शामिल गांधी जी के बताए उसी मार्ग के जरिए बोट की यात्रा कर अंकलेश्वर पहुंचे। देरौल से निकलकर महात्मा गांधी भरूच पहुंचे थे और भरूच में उन्होंने 6 घंटे का विश्राम भी किया, यहाँ भोजन भी किया और लोगों को संबोधित भी किया। और अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने सभी धर्म के लोगों को एक साथ खड़े होकर, एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने का आह्वान भी किया था। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, भरूच। उल्लेखनीय है कि 241 मील दांडी तक की पदयात्रा 25 दिन में पूरी होगी और आगामी 5 अप्रैल को समाप्त होगी।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD News पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD News लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD News Facebook और Twitter पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है कल?